गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। ये मंकी पॉक्स वायरस क्या है, तो ये कैसे होता है, ये कहाँ से आया है और इसके होने से क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर हुसैन, मैं बेंगलुरु कर्नाटक से हूँ। देखिए, मंकी पॉक्स वायरस ये ज़्यादा अभी WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया है, इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका नाम मंकी पॉक्स है और वायरस का नाम भी मंकी पॉक्स वायरस है। ये बहुत सारी किताबों में है और इंटरनेट के सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि ये सेंट अफ्रीका की कंट्री से आया है और हाल ही मई में ही आए हैं। ये 2-4-5 केसेस मई में हमको यूके में हमने देखा था कि यूके में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी तो इंडिया में कोई भी डेथ नहीं हुआ है, इससे इंसान की मौत नहीं होती। और एक केस हमने केरला में इसको पाया है, अभी थोड़े से केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए और बुखार हो, सर्दी खांसी हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या चमड़े का प्रॉब्लम हो, रैशेस हो, ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मंकी पॉक्स वायरस में। रैशेस होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, स्किन इच होता है, तो आप फौरन डॉक्टर से जाके मिल लीजिए या नहीं तो कोई भी ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर लीजिए, तो वो आपको जो भी बेसिक गाइडेंस देते हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए। और ट्रीटमेंट के हिसाब से इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। जो भी एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही ले सकते हैं आप। अगर आप यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप खमीरा मरवरीद यूनानी डॉक्टर से बात करके आप खमीरा मरवरीद, खमीरा गौजवान अंबरी जवाहरवाला, शरबत तुतसिया है और हब्बे सीन है, हब्बे मुसफिया खून है, बहुत सारी यूनानी दवा है, उसको आप ले सकते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है, बस अपने आप को बचाए रखिए। जैसे आपने कोविड में सावधानी की थी, बचाव किया था अपने आप से, इसी तरह मंकी पॉक्स वायरस को भी आप दूर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। बेसिक हाइजीन मेजर्स आप फॉलो करके अच्छे से पानी पीजिए, बच्चों को अच्छे से पानी पिलाइए, ORS पिलाइए, न्यूट्रिशियस फूड खिलाइए और पाक साफ रखिए। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसकी कोई दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये इसमें फैटलिटी ज़ीरो है, इसमें बहुत रेयर है, अभी तक कोई डेथ के रिपोर्ट्स नहीं है। बस आप इसका ख्याल रखिए, कभी भी बुखार सर्दी खांसी तो डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, वो आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।